एक्स स्क्वेर माइनस सिक्स इंटू पी प्लस वन एक्स प्लस थ्री इंटू पी प्लस नाइन इजिक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास पी प्लस वन बी है हमारे पास माइनस सिक्स इंटू पी प्लस वन और सी है हमारे पास थ्री इंटू पी प्लस नाइन राइट तो अब यहाँ पर गिवन है कि इसके जो रूट्स है वो इक्वल है तो इक्वल रूट्स के लिए जो डी है वो क्या होता है इजिक्वल्स टू जीरो रियल एंड इक्वल रूट और इक्वल रूट लिख सकते हैं डी मस्ट भी इक्वल टू जीरो डी अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या हुआ जीरो तो वैलिस्पुट करते हैं माइनस सिक्स इंटू पी प्लस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए मीन्स पी प्लस वन इंटू सी मीन्स थ्री इंटू पी प्लस नाइन ठीक है इज इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे थर्टी सिक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थर्टी सिक्स और पी प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर थ्री जहा यह होगा यहाँ पर पी प्लस वन ये आ गया और पी प्लस नाइन ये हो गया अब यहाँ हमने होल स्क्वायर मैंने इसलिए ओपन नहीं किया बिकॉज पी प्लस वन पी प्लस वन ये हमारे पास कॉमन आ रहा है और यहां से देखो थर्टी सिक्स और ट्वेल्व में से ट्वेल्व भी कॉमन आ जाएगा तो बेसिकली ट्वेल्व और पी प्लस वन जो है वो कॉमन आ जाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा फिर थ्री पी प्लस वन माइनस यहाँ ट्वेल्व जा चुका है पी प्लस वन जा चुका है तो पी प्लस नाइन जो दूसरा फैक्टर है वो ये बचेगा इज इक्ल्स टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से अब देखो अंदर पर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये आएगा थ्री पी प्लस थ्री माइनस पी माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो ट्वेल्व इन टू पी प्लस वन थ्री पी माइनस पी टू पी माइनस नाइन प्लस थ्री तो ये माइनस का सिक्स हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास दो फैक्टर आ गए विच इज इक्वल टू तो जीरो तो या तो आपका पी प्लस वन इज इक्वल टू तो जीरो होगा या फिर टू पी माइनस सिक्स टू तो जीरो तो पी तो वन आ गया। बट हमें वन है। तो ये तो जीरो माइनस वन हो नहीं सकता सो देअर फोर टू पी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इन दिस सेम पी इज इक्वल टू सिक्स बाई टू दैट इज थ्री तो पी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है थ्री ठीक है तो अब पी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करने हैं इसके रूट्स सो द गिवन इक्वेशन विल बिकम अगर हम पी की वैल्यू थ्री पुट करते हैं देन थ्री प्लस वन एक्स स्क्वायेर देखो यहाँ मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम पी की uh, इस इक्वेशन वन लिख के यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम वन माइनस सिक्स इंटू थ्री प्लस वन एक्स थ्री इंटू थ्री प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो सो फोर एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा थ्री प्लस वन फोर ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर कॉमन फोर डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन फोर से तो डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन ये बन गई है और ये है हमारे पास x माइनस और थ्री का होल स्क्वायर अगर आप चाहो तो फैक्टर्स कर लो अदरवाइज x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है तो बेसिकली यहां से x की वैल्यू हमारे पास थ्री आ चुकी है तो इस टाइप से इसे हमें सॉल्व करना है p की वैल्यू भी थ्री है और x की वैल्यू भी थ्री है थैंक यू